नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटेबल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग है थोड़ी अलग, टॉपिक थोड़ा अलग है। इस टॉपिक पर मैंने कभी वीडियो बनाया नहीं है। सो टॉपिक है आपके एब्सेंस पर, आपकी गैर मौजूदगी पर आपका पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली ये रीडिंग उनके लिए है, ये एक लव रीडिंग है, वो मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये एक लव रीडिंग है। अगर आप अपने पर्सन से, अपने क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ओके, अपने स्पेशल वन से अगर आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, या फिर ठीक तरह से बातचीत नहीं हो रहे हैं, ओके, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, अगर बातचीत थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो भी लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ओके, बेसिकली मिलना जुलना होता है नहीं या फिर बातचीत उतना होता है नहीं, तो ऐसे में वो क्या फील करते हैं, आपकी एब्सेंस पर आपका पर्सन क्या फील करते हैं, वो मैं इस रीडिंग के जरिए बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आज मैं फर्स्ट टाइम चार्म्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ, ओके, काफ़ी यूनिक क्यूट क्यूट चार्म्स है, ओके, एंड कुछ ट्रिक्स का भी मैं इस्तेमाल करूँगी लास्ट में। ठीक है, चैनल मैसेजेस है उसमें, ओके, सो ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस, दो पाई मैंने निकाल लिया है। ऑप्शन नंबर वन के लिए है फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड ऑप्शन नंबर टू के लिए है टू ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंगली टू ऑप्शन के लिए टू ऑफ कप्स आए हैं, ओके, तो फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज कीजिए, ओके। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। वन एंड टू, आपके एब्सेंस पर आपका पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। वन एंड टू, आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाय, ऑप्शन नंबर वन, अगर आप लोगों ने इस फोर ऑफ सॉर्ड्स, इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस कार्ड की कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, एक्वा कलर है, बहुत ही खूबसूरत, ओके। सो लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर वन, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन नंबर वन के जो व्यूअर्स हैं उनके एब्सेंस पर उनका पर्सन कैसा फील करते हैं। ऑप्शन वन के व्यूअर्स के एब्सेंस पर उनका पर्सन कैसा फील करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन वन, आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही इनोसेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी इनोसेंस को वो मिस करते हैं जब वो आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, नो कॉन्टेक्ट जोन कह लो या फिर फिजिकली डिस्टेंस में रहते हैं, जब आपसे उतना बातचीत नहीं होता है, मुलाकात नहीं होता है, तब उन्हें ये चीज़ फील होता है कि आप काफ़ी इनोसेंट है। आपकी इनोसेंस जब आप एब्सेंस होते हो, उनके लाइफ में उतना प्रेजेंट नहीं होते हो, तब उन्हें ये फील होता है कि आप बहुत ही इनोसेंट इंसान हो। कॉन्टेक्ट करते वक्त, बातचीत करते वक्त वो ये चीज़ उतना ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन जब बातचीत बंद हो जाता है उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होने लगता है कि आप बहुत ही इनोसेंट इंसान हो। ठीक है, वो मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर मिसिंग वाइब्स बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे एक चीज़ मिल रहा है, जैसे कि जब आप एब्सेंट रहते हो ना उनके लाइफ में, उन्हें बहुत खालीपन सा लगना है, खालीपन, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि डार्कनेस है उनके लाइफ में बहुत। बेसिकली आप उनके लाइफ में एक लाइट की तरह काम करते हो, उनके लाइफ में मानो बहुत अंधेरा है, बहुत डार्कनेस है, और आपकी वजह से उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा रोशनी आया है, या एक अचानक से एक ऐसे इंसान का एंट्री हो गया उनके लाइफ में जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोशनी आ गए, वो ऐसा फील करते हैं। आपको वो एक लाइट की तरह देखते हैं, एक उजाला, एक रोशनी की तरह वो देखते हैं, आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोशनी आए हैं। एक और चीज़ मुझे फील होता है आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन जब आप एब्सेंट रहते हो उनके लाइफ में, उनकी एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है। आप उनसे जैसे ही बातचीत करना बंद कर देते हो, या फिर लड़ाई झगड़ा होता है, या जो भी है, लाइक डिस्टेंस में जैसे ही आना शुरू हो जाता है आप लोग, तो ये शख्स काफ़ी लो एनर्जी में चले जाते हैं। उन्हें आपसे काफ़ी हद तक पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, आपसे उन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। आप चाहे अपने लाइफ में कैसे भी हो, खुश हो, चाहे अपसेट हो, जो भी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप अपने पर्सन से जब भी कॉन्टेक्ट करते थे तब एक हाई वाइब्रेशन में आप रहते थे, आपको काफ़ी अच्छा लगता था अपने पर्सन से बात करना, उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना, और आपके पर्सन को आपकी वजह से बहुत हीलिंग मिलता था, बहुत एक हाई वाइब्रेशन मिलता था। बट जैसे ही आपकी कमी उन्हें फील होने लग गया, आपका एब्सेंस, उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, लाइक आप उनसे दूर हो, इस बात का उन्हें खुशी नहीं है बेसिकली। ठीक है, आपसे उनका बातचीत बंद है, या फिर बहुत कम बातचीत होता है, जो भी है सिचुएशन,
आप उनके लाइफ में फुल्ली प्रेजेंट नहीं हो, इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, ठीक है। उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी लो में चला जाता है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखता है कि उन्हें आपके ड्रीम्स भी आते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि हर रोज़ उनको आपका ड्रीम्स आते हैं, कभी कभी उन्हें आपका ड्रीम्स भी आते हैं, और इस वजह से भी वो और भी ज़्यादा उस चीज़ में खोने लगते हैं कि ये सब क्यों हो गया है, क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं लगता उन्हें, ठीक है। ड्रीम्स देखने की वजह से उन्हें बुरा नहीं लगता है, उन्हें बुरा लगता है कि आप उनकी लाइफ में पहले की तरह प्रेजेंट नहीं हो। इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन को काफ़ी लो फील होता है, बुरा लगता है, उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन चला जाता है, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो सेफ नहीं है आपके पर्सन को। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी प्रेजेंस की वजह से ये इंसान खुद को काफ़ी सेफ महसूस करते थे, और आपके एब्सेंस की वजह से ये इंसान खुद को सेफ महसूस नहीं करते हैं। उन्हें लगता है जैसे कि उनकी लाइफ एक ऐसे रोड पर है, मतलब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है, एक ऐसे रोड पर वो जा रहे हैं जिसका आगे क्या मंजिल क्या है क्या नहीं कुछ भी पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है, ओके। उन्हें सही डायरेक्शन का भी कोई अंदाज़ा नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि वो अपने लाइफ में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सही है या गलत है, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है। आपकी एब्सेंस की वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान की कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं। ये इंसान काफ़ी हद तक लो एनर्जी में चले गए हैं और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लूज़ हो चुका है इस इंसान का, या और आपके एब्सेंस की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उन्हें सल्यूशन नहीं मिल पाता है कि वो कैसे क्या करें, कैसे अपने हालात को ठीक करें। कहीं लेकिन एक वो वाइब्स मुझे मिला है, लाचार सा इंसान, इस टाइप का वाइब्स मुझे मिल रहा है आपके पर्सन से। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं। लिब्रा जेमिनाई एंड एक्वेरियस, ये साइंस आपके या फिर आपके पर्सन के हो सकते हैं, उनके बर्थ चार्ट पर हो, ओके। लेट्स सी ऑप्शन उनके व्यूअर्स के पर्सन को कैसा फील होता है जब मेरे व्यूअर्स उनके लाइफ में प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट रहते हैं। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1, मेरे व्यूअर्स के एब्सेंस की वजह से उनके पर्सन को कैसा फील होता है प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, मेरे व्यूअर्स के एब्सेंस की वजह से उनके पर्सन को कैसा फील होता है, मेरे व्यूअर्स के एब्सेंस की वजह से उनके पर्सन को कैसा फील होता है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, देन यहाँ पर है नाइन ऑफ कप्स, मैं नाइट ऑफ कप्स बोलने वाली थी बार, ओके। मेरे व्यूअर्स के एब्सेंस की वजह से उनके पर्सन को कैसा फील होता है प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू, मदर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पर और जो साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, टॉरस वीर को कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो और पाइसिस भी यहाँ पर स्ट्रांग है। आई होप कि आपको दिख रहा हो कार्ड्स, ओके। सो आपके एब्सेंस की वजह से आपके पर्सन को कैसा फील होता है प्लीज मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। आपके पर्सन आपके एब्सेंस में आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, आपकी वर्थ पहचान पा रहे हैं, ये एक चीज़ यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आप कितने पावरफुल इंसान हैं, आप मेंटली कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, आपकी इंट्यूशन लेवल कितना शार्प है, कहीं ना कहीं ये उन्हें समझ में आ रहा है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जब भी न्यू मून आता है तब आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाते हैं, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं आपके पर्सन। जब भी न्यू मून आता है तो उनकी एनर्जी थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। अदरवाइज मुझे जो चीज़ दिख रहा है कि वो हर दिन आपको मिस करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि आपके एब्सेंस में आपके पर्सन कहीं ना कहीं से आपके बारे में डिटेल्स, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। किसी इंसान से बातचीत करके पूछना हो, मतलब ये तो डायरेक्टली तो नहीं पूछते हैं, जहाँ तक मुझे दिख रहा है इनडायरेक्ट वे में पूछते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। अगर सोशल मीडिया पे आप लोग ब्लॉग्ड हैं
तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो लोगों से पूछते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको आप भी जानते हो और वो भी जानते हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं वो सोर्सेस निकालते हैं जिससे वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाए, ठीक है। उन्हें आपसे काफ़ी ज़्यादा वो फील होता है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का कैसा ख्याल रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक बहुत ही नर्चरिंग हीलिंग, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि उन्हें आपसे बहुत हीलिंग मिलता है, हीलिंग एनर्जी उन्हें मिलता है आपसे। तो आपकी गैर मौजूदगी पर वो ये चीज़ काफ़ी मिस करते हैं कि आप उनका कैसे ख्याल रखते थे, फिर आपके एब्सेंस पर आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आप पहले उनका कैसे ख्याल रखा करते थे, उनका कैसे मतलब देखभाल रॉन्ग वर्ड है, लाइक आप उनका कैसा ख्याल रखा करते थे, कैसे उनका केयर करते थे, किस वे में उनसे आप प्यार से बात करते थे, दांत फटकार भी अगर आप लगाते थे उन्हें, अगर उस वक्त गुस्सा भी आता था, तो आपके एब्सेंस पर कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को मिस करते हैं, ओके। उन चीज़ों को काफ़ी मिस करते हैं जो पास में आप लोगों ने टाइम स्पेंड किए थे, उन चीज़ों को, उन सिचुएशन को वो काफ़ी मिस करते हैं, रिफ्लेक्ट करता है, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, एवरीथिंग वो जानना चाहते हैं, डिटेल्स। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप ये फील करते हैं आपके एब्सेंस पर कि आप ही वो इंसान हो जो उनके सभी सपनों को पूरा कर सकते हो, उनकी ड्रीम्स को फुलफिल करने में आप उन्हें काफ़ी हेल्प कर सकते हो। कहीं ना कहीं वो आपको एक परफेक्ट इंसान के तौर पर देखते हैं, एक ऐसे इंसान जो मैरिज मटेरियल है, एक ऐसे इंसान जो उन्हें कंप्लीट करते हैं, एक ऐसे इंसान जो उम्र में उनसे चाहे छोटे हो या बड़े हो जो भी है, बट उस इंसान के वजह से उनकी उनकी अंदर की जो इनर चाइल्ड है वो काफ़ी सेफ रहता है। या ये शख्स आपका पर्सन आपसे एज में चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बट मुझे जो चीज़ दिख रहा है आपका पर्सन के अंदर की जो इनर चाइल्ड है, जो इनर चाइल्ड है वो काफ़ी सेफ रहता है आपके पास। आप जब भी इनसे कांटेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, तो आपके पर्सन काफ़ी सेफ महसूस करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप मेल हो या फीमेल हो, आपका एज चाहे जो भी हो, आप फिज़िकली स्ट्रांग हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर एनर्जीज़ की बात हो रही है। उन्हें आपकी एनर्जी से काफ़ी सेफ महसूस होता है, उन्हें लगता है कि आप वो आपके साथ काफ़ी सिक्योर रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप वो ऐसे इंसान हो जिनकी प्रेजेंस से उनकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। आपके एब्सेंस पर वो इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, फील करते हैं ये चीज़, स्पेशली आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, आप कितने वैल्यूएबल इंसान हैं, ये बात उनको पता चलता है जब आप उनकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं रहते हो, एब्सेंट रहते हो। आपको काफ़ी वाइज इंसान के तौर पर देखते हैं, काफ़ी वाइज, आपके पास नॉलेज बहुत है, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है, चाहे वो बताते नहीं होंगे, ज़्यादा मुझे लगता है बोलते नहीं है ये बात आपको, लेकिन वो ये चीज़ दिल से बहुत फील करते हैं। लेट्स सी, चार्म से मैं देखूंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं जब आप उनके लाइफ में प्रेजेंट नहीं रहते हो, उन्हें कैसा फील होता है, ओके। फॉर ऑप्शन नंबर वन, मेरे व्यूअर्स, जब उनके पर्सन के लाइफ में एब्सेंट रहते हैं तब उनके पर्सन को कैसा फील होता है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके इंटरेस्टिंग, लाइटिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके। आई होप कि अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ, ओके। सो ये मिनी टॉर्च लाइट है, ओके एक ये है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट इससे जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं बता दूंगी। ये एक एयरिंग है, कैट एयरिंग, और ये है एक स्पोर्ट्स कार, ओके। तो यहाँ से जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके पर्सन के तौर तरफ से कि आपके एब्सेंस पर आपके पर्सन जो फील करते हैं, सबसे पहली बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, एक ब्राइट लाइट की तरह आपको वो देखते हैं, और यहाँ पर देखिए एक टॉर्च लाइट आया है, मिनी टॉर्च लाइट, ओके। वो आपको एक ब्राइट फुल एनर्जी के तौर पर देखते हैं, एक ब्राइट लाइट की तरह देखते हैं। आपके पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि इनका इनर चाइल्ड अनहील्ड है, इनका बचपन उतना अच्छा नहीं गया था, बचपन की कोई बैड मेमोरीज है, आई डोंट नो उन्होंने आपके साथ शेयर किया था या नहीं किया था, लेकिन बचपन उनका उतना अच्छा गया नहीं, उतना सेफ वो बचपन में फील नहीं करते थे, ओके। बट वो जब भी आपके साथ रहते हैं, आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, चाहे वो फ़ोन में बातचीत करें या फिर फिज़िकली आप लोग मिले, उन्हें आपकी एनर्जी से काफ़ी सेफ महसूस होता है, उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके आपकी वजह से उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा उजाला आया है, रोशनी आया है, जैसे कि आपने उनकी लाइफ के कई सारे ऐसे
ऐसी लॉक को अनलॉक किया है जिसके बारे में उन्हें कभी पता भी नहीं था। कुछ ऐसी चीज़ें इनकी अंदर की, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में ये खुद भी नहीं जानते थे, लेकिन अब आपके वजह से इस इंसान को अभी पता चला है। इनकी खुद की कुछ बातें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन इनकी खुद की कुछ ऐसी बातों के बारे में उन्हें पता चला है आपकी एब्सेंस की वजह से। मुझे दिख रहा है कि उन्हें अपनी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ के बारे में पता चला है, अपनी कुछ शैडो साइड्स के बारे में पता चला है, या अपने शैडो साइड्स के बारे में इनको पता चला है आपकी एब्सेंस की वजह से। आप इनके लाइफ में जब भी प्रेजेंट नहीं रहते हो, इस वजह से वो ये चीज़ फील कर पाता है कि उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्योंकि जैसे ही आप उनके लाइफ में एब्सेंट हो जाते हो, वो खुद को काफ़ी लाचार, कमज़ोर सा महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि वो अकेले काफ़ी नहीं है। ओके, और वो आपको एक बहुत ही ब्राइट फुल एनर्जी के तौर पर देखते हैं, लाइक अ एंजल, या एंजल के तौर पर एक एंजेलिक वाइब्स उनको आपसे मिलता है। वो आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, वो ट्रैवल करके आना चाहते हैं, फिजिकली मिलना चाहते हैं आपसे, अच्छे से बातचीत करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जो भी सिचुएशन हुआ है पास्ट में, वो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रिग्रेट फील होता है, ठीक है। आपकी पर्सन का इंट्यूशन लेवल भी इन दिनों काफ़ी हाई हो रहा है, उन्हें काफ़ी मैसेजेस मिलते हैं इंट्यूटिवली, उन्हें फील होता है अंदर से, उनकी अंदर आत्मा के साथ वो काफ़ी कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपकी एब्सेंस पर उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड करता है उनके ड्रीम्स के थ्रू। जैसे कि मैंने बोला, उन्हें आपकी ड्रीम्स आते हैं, तो ड्रीम्स में भी उन्हें मैसेजेस मिलते हैं, इस वजह से भी वो आपके साथ और भी ज़्यादा यू नो कनेक्टेड फील करने लग गए हैं। आप भले ही उनके लाइफ में अभी प्रेजेंट नहीं हो, बातचीत बंद है, बट स्टिल ये इंसान काफ़ी एनर्जेटिकली आपके साथ जुड़ा हुआ सा महसूस करते हैं। इस वजह से वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, आपसे मिलें, वो ये चीज़ बताएं आपको, वो एक्सप्रेस करें। उनके दिल की कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी हिडन फीलिंग्स है जो इन्होंने कभी भी आपको बताया नहीं है, शेयर नहीं किया है। वो उन इन हिडन फीलिंग्स को आपको बताना चाहते हैं। उन्हें आपके हेयर काफ़ी पसंद है, या उन्हें आपकी हेयर काफ़ी पसंद है, उन्हें आपकी आइज और स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है। इन सब चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी ब्यूटी, या उन्हें लगता है कि आप बहुत ही क्यूट इंसान हो। और मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में ही कि उन्हें आप काफ़ी इनोसेंट लगते हो, या ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही साथ मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि उन्हें ये फील होता है कि आप उनकी किस्मत को बदल सकते हो पूरी तरह से। इस चार्म को मैं एक व्हील की तरह देख रही हूँ, मेरे लिए एक व्हील की तरह ही है ये, तो आप उनकी किस्मत को बदल सकते हो, पलट सकते हो, 360 डिग्री पूरा चेंज कर सकते हो आप उनकी लाइफ को, यू नो। और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आपकी हाथ में इनकी लाइफ की चाबी है, ठीक है। ये चाहे इंसान मेंटली कितना भी स्ट्रांग था पहले या थी पहले, बट आपके एब्सेंस पर ये इंसान फील कर पा रहे हैं कि वो अकेले काफ़ी नहीं है। उन्हें एक कंपनी की ज़रूरत है, और वो कंपनी, वो सेटिस्फेक्शन उन्हें सिर्फ आपसे ही मिलेगा, ये आपके पर्सन को इस वक्त फील हो रहा है। लेट्स सी, यहाँ से मैं देखती हूँ आपके एब्सेंस पर आपके पर्सन कैसा फील करते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर वन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिडन डिज़ायर्स, इनके जो भी हिडन डिज़ायर्स है वो कहीं ना कहीं इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आपको लेकर इनके कई सारे ऐसे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, फिज़िकली आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं ये इंसान, और डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर सोलमेट कुछ लोगों के लिए, या आपके सोलमेट हो सकते हैं, और आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके साथ इनका कोई स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। ओके, जिस वजह से ये इंसान फिज़िकली आपसे डिस्टेंस होते हुए भी आपके साथ काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं। विक्टिम मेंटेलिटी, मैंने बोला था कि इस इंसान की इनर चाइल्ड अनहील्ड है, बचपन इनका उतना अच्छा नहीं गया था, और राइट नाउ आपके एब्सेंस पर वो काफ़ी ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने ही कुछ गलत किया है, इनके साथ फिर से कुछ गलत हो गया। यू नो पास्ट में अगर इस शख्स ने कुछ गलत किया था आपके साथ, तो कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ भी हो रहा है ये चीज़, इस बात का एहसास हो रहा है। एट द सेम टाइम वो ये फील कर रहा है कि क्यों, वाई मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ही बार बार ऐसा हो रहा है, क्यों मैं उस इंसान को इतना ज़्यादा मिस करने लग गई हूँ या लग गया हूँ, क्यों इस इंसान की एब्सेंस पर मुझे इतना ज़्यादा असर पड़ रहा है, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों पड़ रहा है। यू नो ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। मैरिज, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज के सपने वो देखते हैं। यहाँ पर है डिसिप्लिन, उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी लाइफ में आप बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं रहा है, बिल्कुल मैसी हो चुका है उनका लाइफ, क्योंकि वो
अलाइन नहीं है अपने सेल्फ के साथ, उनकी एनर्जी बैलेंस मुझे नहीं दिख रहा है इस वक्त, काफ़ी लो एनर्जी में है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं अपने लाइफ को एक सही ट्रैक पर लाना चाहिए। इस इंसान की एब्सेंस पर मुझे क्यों इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों मेरे ऊपर इतना ज़्यादा असर पड़ रहा है इस इंसान के एब्सेंस की वजह से। कहीं ना कहीं उन्हें ये भी फील होता है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन हो, आप अपने लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हो, अपनी रूटीन काफ़ी अच्छे से मेनटेन करते हो, लेकिन ये शख्स उस हिसाब से वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। क्यूरियस, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। मैंने बोला भी था कि वो डिस्कस करते हैं, सॉरी डिस्कस नहीं करते हैं, लोगों से पता लगवाने की कोशिश करते हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो आप जब भी इनके लाइफ में एबसेंट रहते हो, जब भी इनके साथ कॉन्टेक्ट जोन में नहीं रहते हो, ये आपके बारे में जानने के लिए और भी ज़्यादा क्यूरियस होने लगते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है इस वक्त, वो उन्हें मुझे मिस कर रहे हैं कि नहीं, जिस हिसाब से मैं मिस कर रहा हूँ उनको, यू नो, इस तरह से आपके पर्सन सोचने लग जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ, रीडिंग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस 2 ऑफ कप्स कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। मैं एनर्जी क्लीन कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। ओके, प्लीज मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स, जब उनके पर्सन के लाइफ में एब्सेंट रहते हैं तो उनके पर्सन को कैसा फील होता है, प्लीज मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स, जब अपने पर्सन के लाइफ में एब्सेंट रहते हैं तब उनके पर्सन को कैसा फील होता है। मुझे फायरी वाइब्स मिल रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके पर्सन के बर्थ चार्ट पर हो सकता है या फिर आपका भी हो सकता है, लेकिन मुझे आपके पर्सन का वाइब्स आ रहा है। उनके बर्थ चार्ट पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है। फ्रस्ट्रेशन का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि आपके पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जब वो आपके साथ कॉन्टेक्ट जोन में नहीं रहते हैं, बातचीत बंद रहता है या फिर डिस्टेंस में आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच डिस्टेंस काफ़ी आ जाता है, तो आपके पर्सन के अंदर एक अलग ही किस्म का फ्रस्ट्रेशन फील करने लगते हैं, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। या और एंगर इशू मुझे यहाँ पर वाइब्स मिल रहा है, जैसे कि उन्हें शॉर्ट टेम्पर इशू है आपके पर्सन को, और जब वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट जोन में चले जाते हैं तो गुस्सा उन्हें बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ी टाइप के हो जाते हैं आपके पर्सन। ओके, ज़रा ज़रा सी बात पर चिढ़ जाना, किसी पर भी गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, यू नो, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है अभी, जैसे कि आपके एब्सेंस पर जब भी आपके पर्सन चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं, समटाइम्स उनके आँखों से गुस्से की वजह से आंसू भी निकलता है, या ऐसे कई सारे लोगों के साथ होता है कि गुस्सा जब आता है तब वो रोने भी लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान इमोशनली थोड़े बहुत डैमेज रहते हैं। ओके, इमोशनल लेवल पर वो इंसान कहीं ना कहीं पूरी तरह से हील्ड नहीं होते हैं, और इस वजह से वो गुस्से के दौरान रो पड़ते हैं। ओके, ये कई सारे लोगों के साथ होता है, और आपके पर्सन का मुझे वो वाइब्स मिल रहा है। मैं ये तो नहीं कह रही कि वो हमेशा रोते हैं, नहीं, हमेशा नहीं रोते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेटेड काफ़ी फील करते हैं, उन्हें ये फील नहीं होता है कि आपकी वजह से वो चीज़ हो रहा है, कि आपको मिस करने की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। वो ये बात बाद में रियलाइज़ करते हैं, जब आप उनके लाइफ में प्रेजेंट नहीं होते हो, नो कॉन्टेक्ट जोन में होते हो, तब आपके पर्सन ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा करने लगते हैं, किसी के भी ऊपर, ठीक है, गुस्सा करने लगते हैं। और वो चीज़, जैसे कि मान लीजिए आज के डेट पर, आज के दिन अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो सुबह से लेकर शाम तक उनका वो एनर्जी कंटिन्यू रहता है, और एट द लास्ट उन्हें फील होने लगता है कि क्यों मैं इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों इस तरह से मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, और एट द लास्ट उन्हें रोना आ जाता है, और उस वक्त उन्हें आप याद आते हो, और तब उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होता है कि उस इंसान की एब्सेंस की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। काफ़ी अटैचमेंट वाला फील मुझे यहाँ पर मिल रहा है, एनर्जी मुझे मिल रहा है, आपका आपके पर्सन आपसे काफ़ी अटैच है, ठीक है, काफ़ी अटैच है, आपके साथ काफ़ी जुड़े हुए से हैं। ओके, आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, शायद आपके पर्सन ने कभी बोला ना हो, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच है, और इस अटैचमेंट की वजह से जैसे ही नो कॉन्टेक्ट जोन या डिस्टेंस आ जाते हैं, बातचीत बंद हो जाता है, तो आपके पर्सन के अंदर ये चीज़ होने लगता है, वो फ्रस्ट्रेशन आने लगते हैं, ऑटोमेटिकली वो चीज़ होने लगते हैं। ओके, आपके एब्सेंस पर उन्हें फील होता है कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पर्सन,
आपके एब्सेंस पर ये चीज़ वो फील कर पाते हैं कि वो आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, कितना ज़्यादा आप उनके लिए वैल्यूएबल हो, कितना ज़्यादा आप उनके लिए मैटर करते हो, ये आपके एब्सेंस पर फील होता है। मुझे एक और मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, आपके एब्सेंस पर जब उन्हें फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आने लगता है, तब उन्हें पास की कुछ ऐसी बातें भी याद आते हैं जहाँ पर आप लोगों की झगड़ा हुआ था। ओके, ये मैसेज कुछ ही लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। ओके, आप लोगों की अगर बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ था या हाल फिलहाल में हुआ है कुछ ऐसा और आप लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में चले गए, तो करेंटली मुझे वो एनर्जी मिल रहा है कि आपकी पर्सन जब आपको मिस करते हैं उन्हें गुस्सा भी आता है, ये सोच कर कि ऐसा किया मेरे साथ, वैसा किया मेरे साथ, यू नो, इस तरह से मेरे साथ झगड़ा किया, झगड़ा करते वक्त मुझे ऐसे ऐसे बोला, वो वर्ड्स भी, वो बातें भी आपके पर्सन के दिमाग में आते हैं और उस वजह से उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। या और भी ज़्यादा उस दौरान गुस्सा आता है, आपके पर्सन, आपकी पर्सन का एक और मुझे मैसेज मिल रहा है, जैसे कि आपकी पर्सन काफ़ी ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कोडिपेंडेंसी वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, और पोजेसिव, ओवर पोजेसिव, मुझे यहाँ पर ओवर पोजेसिवनेस की वाइब्स मिल रहा है, जैसे कि आपकी पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है कि कहीं आप उन्हें छोड़कर किसी और को तो नहीं पसंद करने लग गए, कहीं आपका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है, कहीं आप किसी और को पसंद तो नहीं कर रहे, कहीं आप किसी और के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहे, ऐसे कई सारे डाउट आते हैं उन्हें एक किस्म का डर रहता है कि कहीं आप उन्हें छोड़ तो नहीं दोगे, किसी और के साथ आप कनेक्शन में तो नहीं चले जाओगे, यू नो, इस टाइप का वाइब्स उन्हें रहता है, उन्हें लगता है कि आपका फोकस उनकी तरफ कम रहता है, आपका फोकस अदर फीमेल्स या अदर मेल्स की तरफ ज़्यादा रहता है, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है जब भी आप लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में रहते हो, गैर उनकी लाइफ में आपकी एब्सेंस होता है, तब आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप उनके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ऐसा उन्हें फील होता है। या एक और चीज़ मुझे मिल रहा है, जैसे कि ये इंसान एक पल के लिए भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, वो लव से ज़्यादा मुझे वो अनहेल्थी अटैचमेंट टाइप का वाइब्स मिल रहा है कि मैं इन्हें अगर छोड़ दूँ, सॉरी, इन्हें अगर मैं बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको कोई मुझसे छीन ले, अगर मैं इनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगी या नहीं करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका मन किसी और की तरफ चला जाए, तो वो एक वो चीज़ मुझे दिख रहा है, जो अनहेल्थी अटैचमेंट होते हैं मोस्टली कनेक्शंस में, जहाँ पर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, मुझे कंट्रोलिंग टाइप का वाइब्स मिल रहा है, शायद आपके पर्सन के अंदर वो एनर्जी है कंट्रोल करना कि तुम मेरे मुताबिक चलोगे, देखो तुम्हारा फेसबुक का पासवर्ड मुझे दो, तुम्हारा इंस्टाग्राम का पासवर्ड मुझे दो, किसके साथ बात कर रहे हो, इतना टाइम तक ऑनलाइन क्यों थे, लास्ट सीन चेक करना एंड ऑल ये सब, ट्रू कॉलर में भी जासूसी करना, यू नो, वो एक वाइब्स मुझे मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि इंसान आपको पसंद नहीं करता, पसंद करते हैं, लेकिन इनका वो प्यार थोड़ा अनहेल्थी वे में जा रहा है, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है। डाउट बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर, आपके पर्सन के अंदर, फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान, आपकी लुक्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है, सेक्सुअली आपकी तरफ काफ़ी ड्रॉन महसूस करते हैं, झुकते हैं आपकी तरफ, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, और आपकी तरफ कोई भी इंसान, कोई भी अपोजिट जेंडर के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं इजीली, और उन्हें इस बात का हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं मैं इस इंसान को खो ना दूँ, बहुत ही इनसिक्योर टाइप का वाइब्स मुझे मिल रहा है इस इंसान से। लेट्स सी ये इंसान आपके एब्सेंस पर कैसा फील करता है, फॉर ऑप्शन नंबर टू प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर टू मदर ऑफ कप्स, ऑप्शन नंबर टू के जो व्यूअर्स हैं उनका पर्सन उनके एब्सेंस पर कैसा फील करते हैं, ऑप्शन टू के व्यूअर्स के एब्सेंस पर उनका पर्सन कैसा फील करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही वेटिंग जोन में रहते हैं ये इंसान, एक वेट कर रहे हैं कि कब बात करेंगे, कब या तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर आप उनसे बात करेंगे, यू नो, एक वेटिंग जोन में रहते हैं, मुझे वाइब्स मिल रहा है, थैंक यू सो मच। जैसे कि राह देख रहे हैं किसी सही मौके का, किसी सही टाइमिंग का। थ्री ऑफ वॉन्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्स। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस,
ये साइंस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। बट आप लोग एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, साइंस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, ओके। आई होप कि आप लोग को दिख रहा हो। सो आपके एब्सेंस पर आपके पर्सन कैसा फील करते हैं, फॉर ऑप्शन नंबर टू। यहाँ पर मुझे एक चीज़ मिल रहा है कि आपके एब्सेंस पर ये इंसान अपनी डार्कर साइड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाते हैं, अपने डार्क एनर्जीज के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाते हैं। डार्क एनर्जीज के साथ जुड़ जाते हैं मीन्स ये इंसान अपनी इनसिक्योरिटीज़ के साथ डील करते हैं जब आप इनके साथ कॉन्टेक्ट जोन में नहीं रहते हो। इनकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर या आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी डाउट्स हैं, उससे ये इंसान डील करने लग जाते हैं। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, और ओवर थिंक करने की वजह से इनके मन में बहुत ज़्यादा बेफालतू के ख्याल आते हैं, बेफालतू के ख्याल आते हैं, और इस वजह से वो और भी ज़्यादा डार्कनेस में घुस जाते हैं, और भी ज़्यादा डार्कनेस में घुस जाते हैं अपने आप, ओवर थिंक करने की वजह से बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं जब आप दोनों नो कॉन्टेक्ट जोन में चले जाते हो, आपके एब्सेंस रहता है उनके लाइफ में, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लोनली फील करते हैं, और उनके दिमाग में बार बार यही ख्याल आता है कि कहीं आप किसी और के साथ कनेक्शन में तो नहीं चले गए, कहीं आप किसी और के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं। मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ख़ास हो उनके लिए, और वो डरते हैं इस वजह से। जैसे कि किसी इंसान को, फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी मिडिल क्लास इंसान को मान लीजिए कोई हीरे का टुकड़ा मिल गया, एक रिच इंसान को एक हीरे का टुकड़ा अगर मिलता है तो उस एक बहुत रिच इंसान को अगर हीरे का टुकड़ा मिल जाता है तो उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास हीरे के टुकड़े हैं, हीरे हैं, और ऑलरेडी उसके पास हीरे हैं, तरह तरह की ज्वेलरीज है, तो उसके लिए कहीं पर अगर कोई हीरे का टुकड़ा अगर उसको मिल भी गया है तो उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है। लेकिन अगर एक किसी मिडिल क्लास इंसान को अगर एक बहुत ही कीमती हीरे का टुकड़ा कहीं अगर गिरा हुआ मिल गया, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ठीक है, या फिर उसने ख़रीद लिया कहीं से, ठीक है, या तो कहीं से ख़रीद लिया या फिर गिरा हुआ ही मिला, जो भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मिडिल क्लास इंसान के पास एक बहुत ही कीमती हीरे का टुकड़ा है, उन्होंने ख़रीदा हुआ है या जो भी है, या फिर किसी ने गिफ्ट किया हो, जो भी है, वो उस हीरे के टुकड़े को बहुत बहुत ही संभाल कर रखेंगे क्योंकि उन्हें उसकी कीमत पता है, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा संभाल के रखेंगे, एक टाइम पर ऐसा फील होगा उनको कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ जाएगा, कि कोई चोर को पता ना चल जाए कि मेरे पास हीरे का टुकड़ा है, मैं कहीं जाऊँगा नहीं, मैं कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाऊँगा, घर में अकेले, मतलब घर में हीरे के टुकड़े को छोड़ के मैं कहीं और जाऊंगा नहीं, कहीं किसी ने अगर उठा लिया तो, किसी ने अगर चोरी कर लिया तो, फिर वो उस हीरे के टुकड़े को काफ़ी संभाल कर रखेंगे क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, ओके। तो इस वजह से क्या होता है, वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन एक रिच इंसान के पास ऑलरेडी हीरे हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर उसने कोई नया हीरा का टुकड़ा अगर ख़रीद भी लिया तो भी वो उस चीज़ को लेकर उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेगा कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोर ना ले ले इसको, या गुम ना हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो नहीं लेता है टेंशन, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है ऑलरेडी मेरे पास ऐसे पैसेस और भी है, तो वो उस चीज़ को लेकर उतना ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होता है। लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आप उनके लिए बहुत ख़ास हो, और इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी ये एनर्जी, उनका प्यार, जो भी इमोशंस है, वो बहुत ज़्यादा उस लेवल तक पहुंच गया है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो चुके हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पोजेसिव। उन्हें हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं वो आपको खो ना दे, ओके, कहीं आप दूर ना चले जाए उनसे, कहीं बहुत दूर तो नहीं चलेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मिक्स वाइब्स मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो बहुत दिनों से लो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इन एंड आउट चलता रहता है, जैसे कि कुछ दिन बात किया फिर बात बंद, फिर बात किया फिर बात बंद, यू नो, हफ्ते भर बात किया फिर बंद, हफ्ते भर के लिए बंद, या फिर महीने भर के लिए बंद, या फिर तीन चार दिन के लिए बंद। तो ये तीन चार दिन या हफ्ते भर की जो बातचीत बंद रहता है उसी में ही इस इंसान को बहुत ज़्यादा घुटन सा महसूस होने लगता है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और खाली यही एनर्जी मुझे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी वाला वाइब्स। कहीं ना कहीं उन दिनों मुझे एक वाइब्स मिल रहा है जैसे कि जब भी वो आपके, जब भी आप उनके लाइफ में एब्सेंट होते हो तो आपके पर्सन को ना
वो एक एनर्जी में स्टक हो जाता है, उनका एनर्जी उसी चीज़ में स्टक रहता है, वो उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बाकी लोगों के साथ बातचीत करना या बाकी लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना, लाइट हार्टेड फील करना, वो नहीं होता है, वो उसी एनर्जी में स्टक रहते हैं। और कहीं ना कहीं खुद ही वो ऐसा करते हैं, वो स्टक ही रहते हैं उस एनर्जी में, चाहकर भी वो आगे नहीं निकल पाते हैं। उन्हें आपके एब्सेंस पर ये भी फील होता है कि आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, आपको चाहे वो दिखे या ना दिखे, लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ दिखता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो। और इस वजह से भी उन्हें डर लगा रहता है कि इंसान इतना ग्रो कर रहा है, करियर में भी आगे बढ़ रहा है, पर्सनैलिटी वाइज भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई और पसंद आ जाए या इसका दिल किसी और की तरफ चला जाए। मुझे यही मैसेजेस बार बार मिल रहे हैं, मुझे चाहकर भी मुझे और यहाँ कोई दूसरा मैसेज नहीं मिल रहा है। लेट्स सी, मैं यहाँ से देखती हूँ क्या फील करते हैं ऑप्शन टू के व्यूअर्स के एब्सेंट पर, उनका पर्सन क्या फील करते हैं, प्लीज मुझे बताइए। मिस्ट्री, आई एम हियरिंग मिस्ट्री, जैसे उन्हें लगता है कि कोई बात है, कोई मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं हुआ है। रिकनेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, फिर से बात करने के बारे में सोचते हैं। सी, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है जब भी आप एब्सेंट रहते हो उनकी लाइफ में, ठीक है। क्या क्या चार्म आया है वो मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपके पर्सन आपको एज ए क्वीन और किंग की तरह देखते हैं, उन्हें आप बहुत ही प्रेशियस लगते हो, उन्हें आपकी लुक्स, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेशियस लगता है, बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल। जैसे कि मैंने एक डायमंड के बारे में बोला, हीरे का एक टुकड़ा, कितना एक्सपेंसिव होता है, तो कहीं ना कहीं वो इस हिसाब से आपको देखते हैं कि आप काफ़ी ऐसे इंसान हो जो जिसके पास हज़ारों ऑप्शंस हैं, जिसके पास हज़ारों ऑप्शंस हैं, एक ऐसे इंसान जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी नटखट भी हो, आपकी वो नटखटपन, वो नॉटिनेस काफ़ी मिस करते हैं आपकी एब्सेंस पर, और इस वजह से भी उन्हें डर लगता है कि आपके अंदर जो भी नटखटपन है, जो नॉटिनेस है, इस वजह से आप किसी और को ना अट्रैक्ट कर लो, इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को अट्रैक्ट कर लो अपनी तरफ और वो इंसान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और आप उसके साथ कनेक्शन में ना चले जाओ। वो एक चीज़ उन्हें फील होता है, उन्हें लगता है कि आपके अंदर वो एक नॉटिनेस है। मैं यहाँ पर वो ख़राब वाला नॉटिनेस के बारे में नहीं बोल रही, मैं उस नॉटिनेस के बारे में बोल रही हूँ जो एक छोटे बच्चे के अंदर होता है ना, छोटे बच्चों के अंदर होता है वो नॉटिनेस, साथ ही साथ जो हेल्थी फ्लर्ट जिसको बोलते हैं, बस ऐसे ही छोटी मोटी कॉम्प्लीमेंट दे दिया, उस हिसाब से कुछ लोग जो फ्लर्ट करते हैं, इस किस्म की चीज़। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो एक चीज़ है, कि आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, आपके अंदर वो एक क्यूटनेस है, उन्हें आप काफ़ी क्यूट लगते हो, ठीक है, आपके पर्सन को आप काफ़ी क्यूट लगते हो। और उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके अंदर की जो ये क्यूटनेस है, आपकी जो लुक्स है, वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, आपकी इस क्यूटनेस को वो काफ़ी मिस करते हैं, उन दिनों काफ़ी मिस करते हैं। वो चाहते हैं कि नो कॉन्टेक्ट जोन में जब भी होते हैं आप लोग, तो तुरंत आपसे मिले, दो फास्ट ट्रैवल करके, चाहे कितने भी किलोमीटर की दूरी पे क्यों ना हो, लेकिन वो काफ़ी फास्ट ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड ऑल्सो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी थाट्स आते हैं, स्विंग करते हैं, उनका मूड स्विंग करता है। और समहाउ मुझे मैसेज आ रहा है कि वो उस वक्त खुद को बैलेंस नहीं कर पाते, अपनी मेंटल स्टेट को सही तरह से बैलेंस नहीं कर पाते। अगेन एग्रेशन, जब उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स आने लग जाते हैं, वो गुस्सा होने लगते हैं कि क्यों इतना थॉट्स आ रहे हैं उनके बारे में, इतना ज़्यादा क्यों मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। उन्हें आपकी हेयर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आपका लुक्स और आपकी आइज, स्पेशली आपकी आइज काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपकी एब्सेंस पर आपके पर्सन ये भी फील करते हैं कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो कहीं आप गुस्से से कुछ रिप्लाई ना कर दो, कहीं आप उन्हें ऐसा ना कुछ बोल दो जिससे वो हर्ट हो जाए। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है आप, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, हिम्मत, आई एम हियरिंग हिम्मत है आपके अंदर बहुत ज़्यादा,
आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपकी एब्सेंस पर ये इंसान काफ़ी इन चीज़ों को काफ़ी फील करते हैं। क्रिएटिव, उन्हें आप काफ़ी क्रिएटिव भी लगते हो, आपकी क्रिएटिव साइड उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, या कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिव साइड वो बहुत पसंद करते हैं। और इन चीज़ों को वो बोल तो नहीं पाएंगे, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में एक्सप्रेस करें, लेकिन जब आप उनके लाइफ में एब्सेंट रहते हो तब वो इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं, वैल्यू करते हैं इन चीज़ों को, कि आप कितना वर्थी हैं, आपका वैल्यू क्या है, कितना है, वो इस चीज़ को फील करते हैं उस वक्त। या ओके, ऑप्शन नंबर टू। और लास्ट में मैं देखती हूँ, चिट्स निकालती हूँ यहाँ पर आपकी एब्सेंस पर, आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपको लेकर, वो कैसा फील करते हैं। ओके, आपके एब्सेंस पर आपके पर्सन कैसा फील करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, चैन ना आए, तो स्लीपलेस नाइट वाला साइन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। हायर लेवल सोलमेट, तो यहाँ पर कुछ लोग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है, और आपके पर्सन को ये फील होता है कि आप लोग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो। यहाँ पर येलो ऑरा, और यहाँ पर भी देखिए येलो है, ओके, येलो ऑरा आया है यहाँ पर। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है, काफ़ी बोल्ड है, आपकी क्रिएटिव साइड काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी क्रिएटिवली काम करते हो, ये चीज़ उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, वो उन चीज़ों को काफ़ी मिस करते हैं। फॉल्स पर्सन, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी कुछ बातें इनसे छुपाते हो, कुछ ऐसी बातें हैं आपके अंदर जो आपके पर्सन को नहीं पता है, और या आपके पर्सन को नहीं पता है, कुछ ऐसी बातें हैं आपके अंदर जो आप इनको बताते नहीं हो, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है, स्पेशली तब जब आप लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में रहते हो। लियो, मैंने पहले ही बोला था, आई थिंक एरिस लियो सेजिटेरियस मैंने पहले ही बोला था, तो यहाँ पर लियो आ गया है। ओके, तो या आपके पर्सन का साइन हो सकता है लियो, आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है आपका पर्सन। या हेल्प अदर्स, शायद आप ऐसे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो दूसरों की काफ़ी हेल्प करते हैं, और आपके एब्सेंस पर आपका पर्सन इस चीज़ को काफ़ी एडमायर करते हैं कि आप दूसरों की काफ़ी हेल्प करते हैं। शायद आपने पास में आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था, इमोशनली सपोर्ट किया था, या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, और आपके उस हेल्पफुल नेचर को आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। पिंक ऑरा, उन्हें आपसे काफ़ी हीलिंग वाइब्स मिलता है, यहाँ पर भी हल्का सा लाइट बेबी पिंक कलर है, तो आपके पर्सन को आपसे काफ़ी हीलिंग वाइब्स मिलता है, काफ़ी प्यार भरा वो एनर्जी जो है वो उन्हें आपसे मिलता है। आपने शायद चाहे इनको बताया हो या नहीं बताया हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, लेकिन आपके पर्सन को पता है कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। यहाँ पर है सोल जर्नी, आपके पर्सन को ये फील होता है कि आप दोनों एक हाईली स्पिरिचुअल जर्नी में हो, एक सोल कनेक्शन है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच फील करते हैं, क्योंकि आप लोग एक सोल जर्नी में हो। ओके, हायर लेवल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, यहाँ पर कैमरा, आपके पर्सन आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखना काफ़ी पसंद करते हैं, आपकी एब्सेंस पर आपकी फ़ोटोज़ देखना, आपके बारे में जानना सोशल मीडिया के थ्रू, ये काम वो काफ़ी करते हैं। ओके, और उन्हें ये भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिनको फ़ोटोज़ खींचना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सेल्फ लव, आपकी एब्सेंस पर आपके पर्सन ने जाना है कि सेल्फ लव किसे कहते हैं, खुद को प्यार करना क्या कहते हैं, बट यहाँ पर उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा, खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ओके, अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके पर्सन को दिख रहा है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, खुद को बहुत ज़्यादा नर्चर करते हो, वो नर्चरिंग एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आप इन दिनों काफ़ी, आपकी एनर्जी काफ़ी इन दिनों वाइब्रेंट हो रहा है, ये चीज़ आपके पर्सन को दिख रहा है, फील हो रहा है आपके पर्सन को। ओके, और उन्हें लगता है कि आप खुद का बहुत ख्याल रख रहे हो, और ये चीज़ें बहुत उन्हें अट्रैक्ट भी करता है अपनी तरफ। वुंडेड इनर चाइल्ड, ऑप्शन वन में मैंने बोला था कि इनर चाइल्ड वुंडेड है, बट चिट नहीं आया था, बट यहाँ पर ऑप्शन टू में आया है वुंडेड इनर चाइल्ड। आपके पर्सन की जो इनर चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं वुंडेड है, उनका बचपन उतना अच्छा नहीं गया, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी इशू है, इनसिक्योरिटी इशू एंड ऑल्सो एग्रेशन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, डाउट करना, या आपको वो काफ़ी अच्छे इंसान के तौर पर देखते हैं, बट स्टिल आपको लेकर उनका जो डाउटफुल एनर्जी है कि कहीं आप किसी और के साथ तो कमिटेड नहीं हो गए, किसी और के साथ तो कहीं आप फ्लर्ट तो नहीं कर रहे, यू नो, इस तरह की जो एनर्जीज उन्हें फील होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि उनकी इनर चाइल्ड फुल्ली हील्ड नहीं है, उनके बचपन
उतना अच्छा नहीं गया था बचपन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट है कहीं ना कहीं वो उस चीज़ की वजह से, उन घटनाओं की वजह से आपको लेकर वो इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहे आपकी रीडिंग, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय।